हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे तो हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करते हैं कहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कि मैंने बच्चों आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर थ्री प्लस एक्स प्लस वन इन डी एक्स अपानाइनस वन क्या बच्चों क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि का पावर डिनोमिनेटर से अधिक है तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करके इसका पावर कम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां पर बच्चों क्यू प्लस एक्स प्लस वन तो किसका मल्टीप्लाई कर दें ax का क्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पे क्यू और माइनस वन में एक्स एक्स तो लिख सकते हैं आई टू इंटीग्रेशन प्लस अभी इसमें इसका डिवीजन बाकी है टू एक्स प्लस वन अपन स्क्वायर माइनस वन क्या बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स आई इक्वस टू यक्स लिखेंगे अभी इसमें इसका डिविजन बाकी है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे टू एक्स प्लस वन अपान क्या होगा बच्चों x माइनस वन एंड प्लस वन इंटू डी एक्स आई इक्वस टू क्या बच्चों आई इक्वस टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते यहां पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं टू एक्स प्लस वन अपन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू क्या लिखेंगे बच्चों की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो बनाएंगे तो यहां सेक्वल टू वन ऑफ टेंड होगा क्या बच्चों क्या लिखेंगे लिमिट टेंस टू वन इस टर्म को यहां से हटा देंगे टू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन हो जाएगा क्या बच्चों टू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन एक्स की वैल्यू वन रख देते हैं प्लस वन अपान वन प्लस वन क्या बच्चों वन प्लस वन टू और वन थ्री थ्री बाई क्या हो जाएगा टू एंड बी की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग फाइन करें इसको जीरो बनाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू तो क्या है जाए बच्चों माइनस वन इस टर्म को यहाँ से हटा देंगे तो टू एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन एक्स की वैल्यू कितना सब्सिट्यूट करें बच्चों बच्चों माइनस वन नीचे होगा माइनस टू तो वन बाई टू हो जाएगा कितना बच्चों वन बाई टू तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं ए अपान एक्स माइनस वन प्लस बी अपान एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों डीएक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा सॉरी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए को बाहर कर लेते हैं ए कितना होगा बच्चों लॉग ई एक्स माइनस वन प्लस बी को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस वन लॉग ई एक्स प्लस वन और प्लस सी ए और बी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू ए की वैल्यू बच्चों क्या है थ्री बाई टू लॉग ई एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू क्या होगा वन बाई टू लॉग ई एक्स प्लस वन प्लस सी हो जाए क्या बच्चों प्लस सी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन नंबर क्वेश्चन की वे ने यहाँ पे आई इक्वल टू टू इंटू डी एक्स अपन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले कोशिश करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए लेकिन इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा तो ये क्वाडिटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही रहेगा क्या बच्चों क्वाडिटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे ए अपार क्या लिखेंगे बच्चों वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस सी से पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अब यहां पे ए की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फाइन कर लेंगे कैसे बच्चों ए इक्वस टू लिमिट डिनोमिनेटर को जीरो बनाएंगे तो एक्स इक्वल टू वन ऑफ होगा यहां से इस टर्म को हटा देंगे तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वन अपन वन प्लस इक्वस टू वन प्लस वन इक्व टू वन बाई टू वन बाई क्या हो जाए बच्चों टू नेक्स्ट हम लोग बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कंपेरिजन द्वारा कैसे बच्चों कंपेरिजन कैसे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखेंगे वन अपन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू एल सी हम ले लेते हैं वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस क्या लिखें बच्चों सी यह कैंसिल हो जाएगा वन इक्वल टू ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस क्या बच्चों सी एक्स तो यहाँ से वन इक्वल टू क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ए बच जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों माइनस बी प्लस एक्स एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहां पे बी बच जाएगा और यहां पे बच्चों माइनस सी कॉन्स्टेंट कौन कौन सा होगा ए प्लस सी ए प्लस क्या होगा बच्चों सी तो हमें किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अभी बी और सी की ए की वैल्यू हमें ऑप्टेंड हुई है वन बाई टू कितना बच्चों वन बाई टू तो देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे ऑपटेंड होगा कंपेरिजन करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हैं जीरो इंटू एक्स कर लेते हैं

बी की वैल्यू कितना बच्चों वन बाई टू तो ए बी और सी वन बाई टू ऑप्टेंड हुई है एक्वल टू बीवस टू सी इक्वल टू वन बाई टू कितना बच्चों तो हैं। हैं कितना ऑप्टेंड होगा डीएक्स इक्व टू इंटीग्रेशन इंटू डी सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे क्या क्या ए की वैल्यू कितना बच्चों वन बाई टू ए की वैल्यू कितना है वन बाई टू वन माइनस बी की वैल्यू भी क्या बच्चों वन बाई टू यक्स प्लस सी की वैल्यू भी वन बाई टू अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स यहां से क्या करते हैं वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू बाहर कर लेते हैं तो वन बाई टू जब बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों वन अपान वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स ही है प्लस एक्स प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंस ठीक है अब ये जो वैल्यू ऑप्टेंड हुआ है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं क्यों क्योंकि केवल क्यों एक्स स्क्वायर और प्लस वन है अगर एक्स स्क्वायर के साथ साथ क्स का टर्म भी होता है ऐसे तो हम लोग इसको सब्सिट्यूट करते क्या बच्चों x प्लस वन इक्वल्स टू ए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन तब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते लेकिन इसमें x का टर्म नहीं है तो डायरेक्टली अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन वन अपान वन माइनस एक्स प्लस यक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या बच्चों डीएक्स

डी टी बाई टू क्योंकि बच्चों टू और इसे हम लोग टी जूम किए तो यहाँ से वन बाई टू बाहर हो जाएगा बच्चों टी और आई वन इक्व टू हो जाएगा वन बाई टू लॉग ई टी प्लस सी टी की वैल्यू कितना बच्चों वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अब यहां से हमको इसका इंटीग्रेशन मालूम हो गया एक्स होगा, माइनस लॉग वन माइनस एक्स होगा तो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या ऑप्टेंड होगा यहां से ऑप्टेंड हो जाएगा वन बाई टू ए हो जाएगा माइनस लॉग ई वन माइनस एक्स क्या के कॉप से डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स लॉग ई वन माइनस एक्स हो जाएगा फिर एक्स का माइनस वन है उससे डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा प्लस वन बाई टू यहां पर क्या है बच्चों लॉग ई वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस क्या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या बच्चों C हो जाएगा और होल में वन बाई टू है इसको चाहे तो हम लोग पावर को इस पर भी ले जा सकते हैं आई इक्वल टू या चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं वन बाई टू माइनस लॉग ई वन माइनस एक्स और ये जो पावर है प्लस लॉग ई वन बाई टू इस पर चला जाए कैसे बच्चों क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉग एक्स पर पावर एम इक्वल टू एम लॉग एक्स होता है यहां का पावर यहाँ पे आ सकता है यहाँ का पावर इस पे जा सकता है तो वन बाई टू को हम लोग इस होल पर कर सकते हैं वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी और इसको लिख सकते हैं वन बाई टू इसको पाले कर लेते हैं लॉग ई इसको रूट में लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसको बाद में लिख दे माइनस लॉग ई वन माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी क्या बच्चों प्लस सी इसको चाहे तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला यूज कर ले किसका बच्चों लॉग ए माइनस लॉग बी का और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या log A minus log B equals to होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वस टू होता है लॉग ए बाई बी इतना बच्चों लॉग ए बाई बी इसे लिखेंगे लॉग ए अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी हो जाएगा या बच्चों प्लस सी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कौन से बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या की है बच्चों क्वस टू आईक्वस्ट टू गिवेन है इंटीग्रेशन थ्री एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स इंटू क्या है बच्चों डीएक्स तो यहां से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं थ्री एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस टू का, तो का होल स्क्वायर एक वस टू ए अपान एक्स प्लस टू और प्लस बी अपान क्या करेंगे बच्चों एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो सी अपान एक्स प्लस टू का होल क्यूब भी करते इसमें इसकी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कॉन्स्टेंट का कैसे डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा यहाँ से बी की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों बी इक्व टू हो जाएगा लिमिटेंस टू माइनस टू और इस वाले टर्म को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या बच जाएगा थ्री एक्स माइनस इस पूरे टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये वाली वैल्यू ले जाकर इसमें सब्सिट्यूट करते हैं थ्री इंटू माइनस टू माइनस वन इक्वस टू माइनस सिक्स माइनस वन इक्व टू माइनस सेवन हो जाए क्या बच्चों माइनस सेवन अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें अगेन इक्वेशन फर्स्ट में चलना पड़ेगा कहाँ पे बच्चों फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे 3x -1 x plus 2 का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। ले लेते हैं पे इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और यह कैंसिल हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इक्वस टू एक्स प्लस टू ए और प्लस क्या हो जाए बच्चों बी तो जब कंपेरिजन करेंगे तो यक्स का X के इक्वल होगा क्या बच्चों का ए इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री ए इक्वल कितना आ जाए बच्चों थ्री यक्स काक्स के इक्वल और जो कॉन्स्टेंट होगा टू ए प्लस बी वो माइनस वन के इक्वल होगा तो यहां से अगर बी की वैल्यू फाइंड करें हम लोग तो माइनस वन माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन माइनस टू इंटू ए की वैल्यू थ्री हो जाएगा जितना यहां ऑप्टेंड हुआ है अब हम लोग ए और बी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं क्या करते हैं बच्चों की वैल्यू जो हुई है हमें ओ वैल्यू ऑपटेंड हुई है थ्री बी की वैल्यू ऑपटेंड हुई है माइनस सेवन बी की वैल्यू कितना ऑप्टेंड हुआ बच्चों माइनस सेवन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना ऑप्टेंड होगा into डी एक्स ए कितना हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन into डी क्या लिखेंगे इंटू डी एक्स यहां से हम लोग इंटीग्रेशन ए अपान बोलेंगे ए को बाहर कर लेते हैं ऐसे लिख सकते हैं dx dx क्या बच्चों को बाहर कर लेते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं ए हो जाएगा ए इसे लिखेंगे लॉग ई एक्स प्लस टू प्लस ए बी हो जाएगा जो भी पावर रहेगा उसमें वन एड करेंगे x प्लस टू पर माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन प्लस क्या हो जाए बच्चों सी हो जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू है थ्री लॉग ई एक्स प्लस टू और प्लस यहाँ पे माइनस आ जाए क्या बच्चों माइनस बी इस पर हो जाएगा एक्स प्लस टू पर पावर माइनस वन प्लस सी इसको नीचे करते हैं यहाँ पर हो जाएगा थ्री लॉग ई और यहाँ पर हो जाएगा बी अपान क्या लिखेंगे एक्स प्लस टू प्लस सी बी की वैल्यू कितना है बच्चों बी की वैल्यू है माइनस सेवन तो जब यहाँ पे माइनस सेवन सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या बच्चों प्लस हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या किन आई टू इंटीग्रेशन क्या किवेन है डीएक्स अपान एक्स पर फोर माइनस वन इक्व इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अपान स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन एंड स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन दोनों पर पावर सेम है तो हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे बच्चों वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड ए एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वस टू क्या लिख देंगे यहाँ से ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लोग ऐसे इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं क्या बच्चों वाई एज्यूम कर लेंगे तो जहाँ पर भी पावर सेम आ जाएगा सभी टर्म में वहां पर उसको वाई सब्सिट्यूट कर लेंगे उसके बाद उसका पार्सल फ्रैक्शन करेंगे प्लस बी अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस वन अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर को जीरो बनाएंगे तो वाई इक्वस टू माइनस वन आ जाएगा यहाँ से लिमिट y टेंस टू माइनस वन और इस टर्म को यहाँ से हटा देंगे किसको बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपान हो गए वन अपान क्या लिखेंगे इस टर्म को हटा देंगे तो y माइनस वन इक्व टू हो जाएगा तो वन अपान a हो जाएगा माइनस वन माइनस वन इक्व टू माइनस वन अपान टू क्या बच्चों माइनस वन अपान टू अगेन हम लोग b की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे इसको जीरो बनाएंगे तो लिमिट वाई टेंस टू वन आ जाएगा क्या आ जाएगा वन इस टर्म को हटा देंगे तो वन अपान वाई प्लस वन हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा वन प्लस वन इक्वल टू वन बाई टू तो ए और बी दोनों की वैल्यू जब हमें मालूम हो जाएगी तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ए की वैल्यू थी माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू और अगेन के, के हम लोग इसको रख देंगे प्लस बी अपान क्या लिखेंगे ए की वैल्यू जो ऑप्टेंड हुई थी माइनस वन बाई टू बी की वैल्यू जो ऑप्टेंड हुई थी वन बाई टू क्या बच्चों वन बाई टू तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अब ए अपान वाई को हम लोग एक्स किए थे क्या बच्चों माइनस वन तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए अपान इंटीग्रेशन ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों डीएक्स तो यहां से हो जाएगा ए को बाहर कर लेंगे एक्स स्क्स क्या है बच्चों और बी को बाहर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है Integration dx होता है बच्चों इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्सर माइनस ए स्क्वायर टू होता है अपान एक्स प्लस ए ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एक्स स्क्स ए स्क्वायर वन प्लेस पे क्या है वन लॉग ई एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन और प्लस क्या करेंगे बच्चों सी ए की वैल्यू कितना है ए की वैल्यू है माइनस वन अपान टू टेन इन एक्स और बी की वैल्यू कितना है वन अपान टू इंटू वन अपान टू लॉग ई इसे क्या लिखेंगे बच्चों एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस सी टू माइनस वन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई फोर लॉग ई यहाँ से लिखेंगे एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस C हो जाएगा क्या बच्चों प्लस सी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों तो तो करके और उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर आई टू गिवन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन पर पावर तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये इसी फॉर्मेट में आलवेज रहता है दे सकता इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए दे सकता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स इंटू एक्स पे टू थाउजेंड ट्वेंटी प्लस वन भी दे सकता है क्या कर सकता है बच्चों टू थाउजेंड ट्वेंटी प्लस वन भी हैंस यहाँ पे पावर ऑलवेज वन होना चाहिए क्या होना चाहिए बच्चों पावर ऑलवेज वन होना चाहिए यहाँ पे पावर टू थ्री कुछ भी हो सकता है एन हो सकता है इसके लिए क्या करते हैं इसके डिफ्रेंसिएशन से इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों एन एक्स पर एन माइनस वन इसमें जो यक्स का कोब्सेंट है यक्स का जो पावर आएगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इससे एक पावर कम करके यहाँ पे यक्स पर एन माइनस वन से और उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक पावर कम करें तो से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक पावर कम करें तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे यहाँ पे हंड्रेड नाइन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इससे एक पावर कम लेकर तो यहाँ पर क्या करते हैं इसको पर अपन क्या करते हैं बच्चों एक्स पर एन माइनस वन इंटूक्स पर एन प्लस वन हो जाए क्या बच्चों प्लस वन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों इस पे पावर वन है तो एक्स पर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इसका पावर और इसका पावर आपस में एड हो जाएगा क्यों क्योंकि बेस एक्स दोनों सेम है तो एक पे पावर एन हो जाएगा और एक्स पर पावर एन प्लस वन हो जाएगा क्या हो जाए बच्चों एक्स पर पावर एन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे इसको हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं क्या लेट एक्स पर एन टू टी तो अगर इसको टी एज्यूम कर लेंगे तो एन एक्स पर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों डी टी यहाँ से ए एक्स पर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एन हो जाएगा क्या हो जाए बच्चों डी टी बाई एन तो एक्स एन पे एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एन अपान इसको क्या जूम के टी और ये क्या बच्चों टी प्लस वन हो जाएगा तो इसे लिख सकते हैं एन को बाहर कर लेते हैं वन बाई एन डी टी टी और टी प्लस वन क्या हो जाए बच्चों टी प्लस वन इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं क्या बच्चों

वन अपान जीरो प्लस वन इक्व टू वन क्या आ जाए बच्चों वन यहाँ से जब b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिमिट कितना आ जाए बच्चों t टेंस टू माइनस वन टी टेंस टू क्या आ जाएगा माइनस वन और यहाँ से इस टर्म को हटा देंगे वन अपान टी हो जाएगा वन अपान माइनस वन इक्व टू माइनस वन हो जाएगा क्या आ जाए बच्चों माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू हमें ऑप्टेंड हो गई अब इंटीग्रेशन हमें किसका करना था आई इक्वस टू वन बाई एन इंटीग्रेशन डी टी अपान टी इन टी प्लस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों वन बाई एन इंटीग्रेशन इसे ऐसे लिख सकते हैं ए अपान टी प्लस बी अपान क्या लिखेंगे टी प्लस वन इंटू डी टी टी प्लस वन इंटू डी टी यहाँ से फाइनली हमें क्या ऑप्टेंड हो जाएगा यहाँ से ऑप्टेंड हो जाएगा वन बाई एन ए बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन डी टी अपान टी क्या हो जाएगा लॉग ई टी क्या बच्चों लॉग ए टी प्लस यहाँ से बी बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ई टी प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा सी वन बाई एन ए ए की वैल्यू हम लोग ऑप्टेन किए वन और इन टू लॉग ई और टी की वैल्यू कितना है जिम किए बच्चों एक्स टू पावर एन क्या एक्स टू पावर एन बी की वैल्यू कितना है बी की वैल्यू है माइनस वन यहाँ पे माइनस हो जाएगा और लॉग ई ए क्या हो जाए बच्चों एक्स पर एन प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा वन बाई एन क्या हो जाए बच्चों By log e, इसे लिख सकते हैं एक्स पर एन अपान एक्स पर एन प्लस वन एक्स पर एन प्लस वन प्लस सी हो जाए क्या बच्चों प्लस सी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कौन सोचो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या आगे है देखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान वन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स टू माइनस क्या बच्चों साइन एक्स तो क्या करते है? अगर हम लोग इसको टी एज्यूम कर लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और हो जाएगा लेट साइन एक्स इक्वल टू टी डिफ्रेंसिएशन करवस टू हो जाएगा यहाँ से इसके प्लेस पे डी टी हो जाएगा ए हो जाएगा 1 minus t, और ए हो जाएगा टू माइनस ट्री क्या बच्चों टू माइनस टी यहाँ से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं कैसे वन अपान वन माइनस टी इन टू टू माइनस टी इक्वस टू ए अपान क्या लिखेंगे वन माइनस टी प्लस बी अपान क्या लिखेंगे बच्चों टू माइनस टी टू माइनस क्या लिखेंगे टी तो यहाँ से जब ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो डिनोमिनेटर को जीरो बनाएंगे टीवल टू वन ऑप्टेंड होगा तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा लिमिट टी टेंस टू वन और यहाँ टर्म को हटा देंगे वन अपॉइन टू माइनस टी इक्वल टू वन अपॉइन टू माइनस वन हो जाएगा इक्व टू वन क्या बच्चों वन बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बी इक्वल टू लिमिट t टेंस टू टू इसको जीरो बनाएंगे तो p की वैल्यू टू अपटेंड हो जाएगी। तो इस टर्न को हटा देंगे तो वन अपान क्या हो जाएगा वन माइनस टी इक्वस टू वन अपान वन माइनस टू इक्व टू माइनस वन क्या हो जाए बच्चों? माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ से जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a अपान वन माइनस टी और प्लस बी अपान टू माइनस टी इंटू डी टी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? डी टी यहाँ से जब इसको a को बाहर कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log e वन माइनस टी वन माइनस क्या लिखें बच्चों टी और माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी को बाहर कर लेते हैं लॉग ई टू माइनस टी और प्लस सी यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है वन तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा वन लॉग ई वन इंटू लॉग ई वन माइनस टी और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू है माइनस वन तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस लॉग ई e, टू माइनस टी प्लस सी हो जाएगा पहले इसको लिख लेते हैं पॉजिटिव वाले को उसके बाद नेगेटिव वाले को और यहाँ पे टी की वैल्यू कितना हम लोग सब्सिट्यूट किए थे साइन एक्स क्या बच्चों टी की वैल्यू जो सब्सिट्यूट की है वो है साइन एक्स तो यहाँ से जब आई क्वेस्ट टू फाइंड करेंगे तो आईक्वेस्ट टू हो जाएगा लॉग ई टू माइनस टी टू माइनस क्या लिखेंगे टी ये वाली वैल्यू उसके बाद माइनस लॉग ई क्या लिखेंगे वन माइनस टी प्लस सी यहां से i हो हो जाएगा जाएगा log a b log a क्या हो जाएगा, b? 2 t, 1 -T plus C. और की कितना बच्चों x कितना है साइन x तो क्या ऑप्टेंड हो जाएगा इंटीग्रेशन हमें i इक्व टू हो जाएगा log e टू माइनस साइन एक्स अपन वन माइनस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा क्या हो बच्चों प्लस सी

इसलिए हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन ईजिली कर सकते हैं कैसे बच्चों इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर को हम लोग इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं तो वाई प्लस वन अपान इंटू वाई प्लस टू अपान क्या लिखेंगे बच्चों वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर क्या बच्चों वाई प्लस फोर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे वाई एज्यूम कर लिए लेकिन अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर आपस में इक्वल हैं अब क्या करते हैं इसको बच्चों वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू अपान ए हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए सेवन वाई फोर और थ्री सेवन और प्लस ट्वेल्व फोर थ्री तक क्या हो जाएगा बच्चों ट्वेल्व हो जाएगा अब इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं और इसे वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू क्या बच्चों प्लस टू एक बार में इसको डिवाइड करते थे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व क्या बच्चों प्लस ट्वेल्व माइनस 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 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस फोर वाई और माइनस टेन क्या बच जाएगा बच्चों माइनस फोर वाई माइनस टेन बच जाएगा अब यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों या वन और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस फोर वाई माइनस टेन अपान यहाँ से लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व क्या लिखेंगे बच्चों प्लस ट्वेल्व यहाँ से वन माइनस कॉमन कर लेते हैं तो फोर वाई और प्लस टेन अपान यहाँ पे हो जाएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस टू क्या लिखेंगे बच्चों इसी का तो फ्रैक्शन है

डिनोमिनेटर को जीरो बनाएंगे तो y equals to minus 3 आ जाएगा तो क्या बच्चों और इस टर्म को से हटा देंगे तो बच क्या जाएगा यहाँ पे कौन सा टर्म बचेगा बच्चों क्या बच बच्च जाएगा वाई प्लस फोर माइनस थ्री यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते माइनस थ्री प्लस टेन अपान माइनस थ्री और प्लस फोर हो जाएगा माइनस थ्री प्लस क्या हो जा जाए जा बच्चों फोर हो जाएगा यहाँ से माइनस ट्वेल्व प्लस टेन बटा वन इक्वल्स टू माइनस टू बाई टेन माइनस टू बाई क्या हो जाए बच्चों टेन हो जाएगा ये डिवाइड कर देंगे माइनस वन बाई फाइव ए की वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू कितना होगा बच्चों यहाँ से यहाँ से ले लेंगे वाई टेंस लिमिट वाई टेंस टू माइनस फोर क्या बच्चों माइनस फोर इस टर्म को यहाँ से हटा देंगे ये बच जाएगा फोर वाई अपान क्या बच्चों फोर वाई प्लस टेन इस टर्म को हटाएंगे तो वाई प्लस थ्री बच जाएगा वाई प्लस थ्री और यहाँ से y की वैल्यू क्या 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 कर देंगे हो 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 जाएगा जाएगा क्या 6 हो जाएगा कि 6 अपान वन क्या हो जाएगा बच्चों तो यहां से हम लोग ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिए की वैल्यू कितना ऑप्टेंड हुआ है बच्चों माइनस वन बाई फाइव और बी की वैल्यू कितना ऑप्टेंड हुआ है सिक्स ऑप्टेंड हुआ है क्या बच्चों सिक्स तो यहाँ से अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले क्या किए पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन क्या बच्चों फ्रैक्शन तो यहां से हो जाएगा क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा से तो I हमको ऑप्टेंड हुआ था इसको हम लोग क्या माने थे वाई प्लस वन फाइनली हम लोग इसको ऐसे लिखे थे वन माइनस फोर वाई प्लस टेन अपान वाई प्लस थ्री एंड प्लस फोर इंटू यहाँ पे क्या था बच्चों डीएक्स और हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे थे इंटीग्रेशन वन माइनस ये था ए अपान वाई प्लस थ्री और ये था बी अपान वाई प्लस फोर वाई प्लस फोर इंटू डी एक्स क्या बच्चों डीएक्स तो यहाँ से आई क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन वन माइनस यहाँ से ए की वैल्यू अगर अलग कर लिए ए की वैल्यू कितनी थी ए की वैल्यू अभी सब्सिट्यूट कर देंगे फिलहाल ए वाई को हम लोग एक्स स्क्वायर एज्यूम किए थे क्या बच्चों एक्स स्क्वायर बी या या एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा डी एक्स तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो ए हो जाएगा वन का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस ए बाहर कर लेते हैं

एक्स स्क्वायर प्लस वन इन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लें एक्स स्क् क्या एज्यूम कर लें बच्चों टी तो इसका डिफ्रेंसिएशन टू एक्स हो जाए क्या बच्चों बच्चोंड हो जाएगा लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी क्या बच्चों टी एज्यूम कर लेते हैं तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे डी टी इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा से हैंड हो जाएगा टू एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी कर देते हैं और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या बच्चों टी तो यह हो जाएगा टी प्लस वन और ये क्या आ जाएगा बच्चों टी प्लस थ्री टी प्लस क्या आ जाएगा थ्री हो जाएगा यहाँ से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन इससे लिख सकते हैं ए अपान टी प्लस वन प्लस बी अपान क्या लिखें बच्चों टी प्लस थ्री इंटू डी टी क्या बच्चों इंटू डी टी अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसके डिनोमिनेटर को जीरो बना देते हैं इक्वस टू माइनस वन ऑप्टेंड होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन यहां से वन अपन इस टर्म को हटा देते हैं टी प्लस थ्री यहां से क्या बच्चों की value जब करना रहेगा तो लिमिटी टू क्या कर देंगे माइनस थ्री ए वाले टर्म को यहां से हटा देते हैं यहां से क्या हो जाएगा टी प्लस थ्री ए हो जाएगा इस टर्म को हटाना है टी प्लस क्या हो जाएगा अपन तो यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू कितना सब्सिट्यूट कर देते हैं माइनस वन प्लस थ्री इक्व टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा क्या बच्चो माइनस वन बाई टू तो ए की वैल्यू ऑपटेंड हुई है वन बाई टू बी की वैल्यू ऑपटेंड हुई है माइनस वन बाई टू ए और बी की वैल्यू जब ऑपटेंड हो जाएगी तो इसको ले जाकर इंटीग्रेशन में सब्सिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या ऑपटेंड होती है यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई टी प्लस वन प्लस बी को बाहर कर लेते हैं यहाँ से ए बाहर हो जाएगा बी बाहर हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा लाख टी प्लस थ्री प्लस सी हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेशन ए अपान टी प्लस वन बी अपन टी प्लस थ्री का इंटीग्रेशन ऑपटेंड हो गया अब ए और बी की वैल्यू सबसे कर देते हैं ए की वैल्यू कितना बच्चों वन बाई टू लॉग ई टी प्लस वन माइनस बी की वैल्यू कितना है वन बाई टू लॉग ई टी प्लस थ्री प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा वन बाई टू अगर इन दोनों से कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा लॉग ई टी प्लस वन माइनस लॉग ई टी प्लस थ्री और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा क्या बच्चों प्लस सी इसको लिख सकते हैं वन बाई टू लॉग ई टी प्लस वन अपान टी प्लस थ्री प्लस सी टी की वैल्यू कितना है टी की वैल्यू हमने जिम की है एक्स स्क्वायर तो इसे लिखेंगे लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा Next, बच्चो, क्या बच्चों सी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या गिवेन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की है आई क्वस्ट टू इंटीग्रेशन डी डीएक्स अपॉन एक्स एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन तो इस फॉर्मेट का हम लोग इंटीग्रेशन करना सीख चुके हैं इंटीग्रेशन डी एक्स x इंटूक्स टू दावर एन प्लस वन या माइनस वन का क्या करते हैं बच्चों इससे एक पावर कम करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो I क्वॉस्टू यहाँ से ऑप्टेंड हो जाएगा पावर थ्री ए फोर है तो इससे वन पावर कम कर लेंगे यहाँ पे एक्स टू दी पावर थ्री हो जाएगा इंटू एक्स और ये एक हो जाएगा बच्चों वन हो जाएगा यहाँ से एक्स टू दावर थ्री डी एक्स अपान ए हो जाएगा पावर वन थ्री और वन दोनों एड हो जाएगा पावर फोर एक्स टू दावर फोर माइनस वन क्या हो जाए बच्चों पावर फोर माइनस वन ऑलवेज इससे एक पावर कम करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इसको हम लोग टी एज्यूम कर लेंगे क्या करेंगे बच्चों टी एक्स टू दावर फोर इक्वल टू टी अगर एज्यूम कर लें इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा फोर एक्स पे क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा यहाँ से

ए अपान टी प्लस बी अपान टी माइनस वन इन डी टी ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों ए इक्वस टू लिमिट इसको जीरो करेंगे टी टेंस टू जीरो हो जाएगा और इस टर्म को हटा देंगे यहाँ से तो वन अपान क्या बच जाएगा टी माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन जीरो माइनस वन इक्वस टू माइनस वन यहाँ से बी की वैल्यू जब टेंड करेंगे तो लिमिट इसको वन बनाएंगे टी टेंस टू वन हो जाएगा इस टर्म को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वन बाई टी बच जाएगा वन बाई वन टू क्या हो जाएगा वन तो ए और बी दोनों की वैल्यू हमें अपटेंड हो गई ए की वैल्यू कितना अपटेंड हुआ है बच्चों माइनस वन बी की वैल्यू कितना अपटेंड हुआ है वन अब ए और बी की वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेट करके क्या बच्चों इंटीग्रेट करके इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं तो वन बाई फोर इंटीग्रेशन ए को बाहर कर लेते हैं डी टी या पांच टीवल क्या आ जाएगा लॉग ई टी और ये क्या आ जाएगा बच्चों प्लस बी को बाहर कर लेते हैं लॉग ई ए टी माइनस वन हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी टू वन बाई फोर ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं माइनस वन लॉग ई टी प्लस बी की वैल्यू कितना बच्चे वन लॉग ई टी माइनस वन और प्लस क्या हो जाएगा यहां से सी हो जाएगा अब यहां से इसको चाहे तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कैसे यहां से लिख सकते हैं वन बाई फोर लॉग ई t प्लस वन माइनस लॉग ई टी और प्लस क्या आ जाए बच्चों c इसको प्लस वाले को पहले लिख लिए माइनस वाले को बाद में लिख लिए लॉग t माइनस वन को पहले हैं और माइनस लॉग t को बाद में लिख लिए लॉग a माइनस बी का यूज कर हैं किसका बच्चों लॉग a माइनस लॉग बी इक्वल्स टू क्या होता है लॉग a अपॉन बी तो यहाँ से जब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो लॉग a की वैल्यू कितना हो जाएगा टी माइनस वन अपान टी प्लस सी हो जाएगा और टी को हम लोग क्या सब्सटीट्यूट किए थे एक्स टू दी पावर फोर एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन अपान एक्स टू फोर प्लस सी हो जाएगा क्या बच्चों प्लस सी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या गिवेन है ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन गिवेन है हमें आई इक्वस टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ई टू दावर एक्स माइनस वन क्या गिवेन बच्चों ई टू दावर एक्स माइनस वन तो इस प्रकार का अगर हमें इंटीग्रेशन की गिवेन हो ई टू पावर एक्स किसी भी इंटीग्रेशन में और डिनोमिनेटर में हो लेकिन न्यूमरेटर में ना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं कब तक जब तक कि न्यूमरेटर में ई टू पावर एक्स ना आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ई टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या बच्चों e टू दावर एक्स डी एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा e टू दी पावर x e टू दी पावर x माइनस वन हो जाएगा यहां पे क्या किया गया है e पर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए क्यों क्योंकि e पर x जब तक न्यूमरेटर में नहीं आएगा तब तक इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं लेट e टू दावर एक्स इक्वल टू टी अब इसे t एज्यूम कर लेते हैं ई तो पर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पर डी टी यहाँ पर हम लोग क्या डी टी सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर टी और क्या बच्चों टी प्लस वन इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा ए अपान टी प्लस बी अपान क्या हो जाएगा टी प्लस वन इंटू डी टी बच्चों डी टी तो यहाँ से ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसको जीरो बना देते हैं लिमिट टी टेंस टू क्या बच्चों जीरो अब इसको जीरो जब बनाया तो इस टर्म में से इसको हटा देंगे टी प्लस वन इक्व टू हो जाएगा वन अपान जीरो प्लस वन और एक बच्चों वन अपन वन इक्व टू वन जब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको जीरो बनाएंगे तो यहाँ से टी इक्वल टू माइनस वन ऑप्टेंड होगा लिमिट टी टेंस टू जी माइनस वन और यहाँ से हो जाएगा वन अपान टीवस टू वन अपान माइनस वन इक्व टू माइनस वन तो ए और बी ए की वैल्यू कितना ऑप्टेंड हो गया बच्चों यहाँ से वन बी की वैल्यू कितना ऑप्टेंड हुआ माइनस वन इन दोनों को इसमें क्या करते हैं सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्या बच्चों सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या ऑप्टेंट हो, हो जाएगा यहाँ से ए बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई टी क्या हो जाएगा लॉग ई टी क्या बच्चों लॉग ई टी प्लस बी बाहर हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे लॉग ई टी प्लस वन और प्लस यहाँ से सी हो जाएगा इक्वस टू ए की वैल्यू वन हो जाएगा और ये हो जाएगा वन इन टू लॉग टी माइनस ए वन हो जाएगा इन टू लॉग ई टी प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा सी तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा लॉग ई e, टी अपान टी प्लस वन और प्लस यहां से हो जाएगा सी टी की वैल्यू कितना कर देते बच्चों क्या क्या जाएगा 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 हो हो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते, है, है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या गिवेन देखते हैं इसको नंबर क्वेश्चन की आई इक्स टू इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स इक्व इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं क्या लिखेंगे बच्चों ए अपान एक्स माइनस वन प्लस बी अपान क्या लिखेंगे एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स क्योंकि इसमें न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम होगा ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ए इक्वस टू लिमिट एक्स टेंस टू इसको वन हो जाएगा यहाँ से इस वाले टर्म को हटा देंगे तो यक्स अपान क्या बच जाएगा एक्स माइनस टू इक्व टू वन अपान वन माइनस टू इक्वस टू माइनस वन बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों इसको जीरो बनाएंगे तो यहाँ से यक्स टेंस टू टू ऑपटेंड होगा क्या ऑप्टेंड होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू टू ले लेंगे इस टर्म को यहाँ से हटा देंगे तो यक्स अपान क्या बच जाएगा यक्स माइनस वन इक्वस टू टू अपान टू माइनस वन टू टू हो जाएगा या बच्चों 2 ऑब्टेन हो जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू जो ऑब्टेन हुई है -1 b की जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है वह 2 ऑब्टेन हुई है इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से अगर इसे इंटीग्रेट करें तो क्या ऑब्टेन होगा यहाँ से log a को बाहर कर लेते हैं x 1 b log e x 2 और प्लस क्या हो जाएगा c ए की वैल्यू माइनस वन लॉग ई e, एक्स माइनस वन और प्लस बी की वैल्यू कितना है बच्चों टू लॉग ए e, एक्स माइनस टू प्लस सी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसे माइनस लॉग ई e, एक्स माइनस वन प्लस ये टू पावर इस पर चला जाएगा लॉग ई e, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी क्यो? क्यों क्योंकि ये पावर यहाँ भी आ सकता है और लॉग ए e, माइनस लॉग बी लॉग ए अपान बी हो जाएगा तो क्या लिखेंगे बच्चों ए के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बी के प्लेस पे क्या है बच्चों एक्स माइनस वन प्लस सी लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए अपान बी के फॉर्मेट का है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा कौन सा बच्चों लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपन एक्स माइनस वन प्लस सी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू लास्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी I है Dx Ax, Ax किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन डीएक्स ए एक्स एक्स टू दी पावर एन प्लस वन के फॉर्मेट का क्वेश्चन है यहां पर कुछ भी दे सकते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम लोग क्या करते हैं इससे एक पावर कम करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो एक पावर कम करेंगे क्या होगा एक से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं उसी से क्या करते हैं बच्चों डिवाइड भी कर देते हैं तो एक इंटू एक प्लस वन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एक डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर इंटू एकर प्लस वन लिख सकते हैं अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों इसको टी एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्व टू टी अगर इसको टी एज्यूम कर लेंगे तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या बच जाएगा डी टी हैंस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई क्या हो जाएगा टू अब ये वैल्यू हम लोग इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं तो ये डी टी टू हो जाएगा एक ए क्या हो जाएगा बच्चों टी और ये टी प्लस वन इक्वल टू वन बाई टू को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा डी टी अपन टी डी टी ए हो जाएगा टी और ए हो जाएगा टी प्लस वन इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कैसे वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपान टी प्लस वन अपान टी प्लस वन इंटू डी टी यहाँ से ए की वैल्यू कैसे फाइंड ए और ए क्या आ जाए बच्चों बे तो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे लिमिट इसको जीरो बना टी टेंस टू जीरो अगर इसको जीरो बना देंगे तो इस टर्म को यहाँ से हटा देंगे टी प्लस वन कर लेंगे यहाँ से इसको हटा देंगे और टी प्लस वन बच जाएगा तो वन अपॉइंट जीरो प्लस वन इक्वल टू वन हो जाएगा और जब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी के नीचे की वैल्यू को जीरो जब बनाएंगे डिनोमिनेटर को तो टी इक्स टू माइनस वन ऑफ टेंड होगा तो लिमिट टी टेंस टू क्या ले लेंगे माइनस वन और ए वाली वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे इसको रिमूव करके तो इसको जीरो बनाए तो रिमूव कर देंगे वन अपॉइंट टी बच जाएगा इक्वस टू माइनस वन तो ए की वैल्यू यहाँ पे अपटेंड हो गई है वन और बी की वैल्यू क्या अपटेंड हुई बच्चों माइनस वन तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई टू ए क्या हो जाएगा ए को कॉम बाहर कर लेते हैं तो लॉग ई टी हो जाए क्या हो जाए जा बच्चों लॉग ई टी यहाँ पर बी को बाहर कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा लॉग ई टी प्लस वन और प्लस सी हो जाएगा तो यहाँ पे वन बाई टू ए की वैल्यू कितना है ए की वैल्यू है वन वन इन टू लॉग ए टी बी की वैल्यू क्या है माइनस वन लॉग ई लॉग ई टी प्लस वन और प्लस क्या आ जाए बच्चों सी हो जाएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी क्या बच्चों लॉग ए बाई बी के फॉर्मेट का है तो वन बाई टू लॉग ई ए के प्लेस पे क्या है टी बी के प्लेस पे क्या है बच्चों टी प्लस वन और प्लस क्या करेंगे सी इक्वल टू वन बाई टू लॉग ए टी के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस सी सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये क्या हो जाएगा प्लस क्या की टी के प्लेस पर एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे